सहवाग साहब को भी कुछ हुआ है क्या? उन्होंने कुछ बात कर दी? वीरेंद्र सहवाग जो है इनके जो साबिका ओपनर बैट्समैन है, बहुत जल्दी हो रही है उन्हें पाकिस्तान को भेजने की। भाई माना आप लोग अच्छे होस्ट नहीं है, हमने मान लिया बल्कि देख भी लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया है। वो कह रहे हैं जी बाय बाय पाकिस्तान, जिंदा भाग इंडिया का सेमीफाइनल बाकी है। दुआ कर इंडिया जीत जाए, अगर हार गया बैंड बजाता हूँ, याद रखना घटिया क्रिकेटर। मैंने ये उसको जवाब दे दिया, पाकिस्तान जिंदा बाग, मतलब एक तो जिंदा बाग होता है ना, जिंदा बाग जा, मतलब कि जिंदा अभी आप हैं तो आप बाग जाएं, आपने बिरयानी अच्छी खा ली, आपकी हॉस्पिटलिटी अच्छी हो गई, अब आपको और क्या चाहिए, आपने यही करने यहाँ पे आए थे, आप अब बाग जाएं। सर जी शेम ऑन यू वीरेंद्र सहवाग, बाय बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदा भाग, हैव अ सेफ फ्लाइट, ये करने वाली बात है? पाकिस्तान एलिमिनेट हुआ वर्ल्ड कप से। इसमें पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो पहले से ही हर्ट हैं, ये उनके जख्मों पे नमक के बराबर हो सकती है, क्योंकि हर्ट हुए हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के। यार हम कभी बात होती थी कि हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, मगर अब हम पहले ही राउंड से बाहर हो रहे हैं। और बस वही कमेंट, ओ जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो, भाई तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है। गंभीर, इन दोनों ने एक साथ ओपनिंग की है, गौतम गंभीर ने और वीरेंद्र सहवाग ने, मेरे ख्याल है कि वो भाग भाग के दोनों का दिमागी तवाजुन खो गया है। और वो भी आप जो मुंह में आता है वो भी कह देंगे, जो मुंह में आएगा वो वीरेंद्र सहवाग ने भी कहना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है इन दोनों की पार्टनरशिप सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी आग उगल सकते हैं, जहर उगल सकते हैं। कुछ खुदा का ऊपर वाले का खौफ करो, तुम्हें खौफ नहीं है, तुम क्रिकेटर से ट्रोलर बन गए हो, क्लाउन बन गए हो, जोकर बन गए हो, यही रह गया या एड रेवेन्यू मोनेटाइजेशन से कोई $10 कमाते हो रोज का, क्या यही रोजगार है? ये इसने इस वजह से किए कि वो जी पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, ठीक है अल्लाह हाफिज़ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, निकलो अभी यहाँ से। वो इरफान पठान डांस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या घटिया किस्म की हरकतें कर रहे हो, हमारे क्रिकेटर करते नहीं। दोस्तों वीरेंद्र सहवाग के एक ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा कर रख दी है। दरअसल आप सभी को पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया है और वहां से पहले ही वो बाहर हो चुका है। इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में मातम मचा हुआ है, क्योंकि ये लोग वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने से पहले ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल में भारत से भिड़ेगा, और अब पाकिस्तान जब बाहर हो चुका है, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा है, तो वीरेंद्र सहवाग ने भी किसी तरीके की कसर नहीं छोड़ी और पाकिस्तानियों की कहकर मौज ले ली। और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि बाय बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदा भाग, हैव अ सेफ फ्लाइट बैक टू होम। और ये सब देखकर पाकियों की तो वैसे भी हालत टाइट होने वाली थी, तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खूब ज्यादा बवाल हुआ कि सहवाग देखो कैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बेइज्जत करने में लगा हुआ है। लेकिन इनको तब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था जब पाकिस्तान के क्रिकेटर भारत के ऊपर हजारों संगीन आरोप लगा रहे थे और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, तब इन लोगों को जरा भी लाज शर्म नहीं आई थी। लेकिन आज वीरेंद्र सहवाग ने जब इनकी कह के ले ली है तो पूरे पाक मीडिया में हाय तौबा मचा हुआ है। और इसको लेकर एग्जैक्टली पाक मीडिया में क्या बातचीत हो रही है आप खुद ही सुन लीजिए। सहवाग के ऊपर जो बात करना चाहता हूं, उसने जो मैसेज किया है पाकिस्तान जिंदाबाद हम बोलते हैं, उसने बोला पाकिस्तान जिंदा भाग, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। आपने कभी हरभजन को देखा होगा, थकी हुई बात बेकार सी बात करता है। गौतम गंभीर को आपने देखा होगा, उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, वो भी फजूल बातें करता है। वीरेंद्र सहवाग ने फजूल किस्म की बातें की है। पता नहीं इन लोगों को मतलब किस चीज का घमंड है, पैसे का घमंड है ये हो सकता है, या पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। सहवाग ने ये बात की है, मतलब इतनी शर्म नहीं है कि यार ये मैंने किस किस्म की बात की है और मैं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, कोई मुझे कह दे, इंडिया में कोई मुझे कह दे कि यार ये किस किस्म की तुमने बात की है। हाँ वो इरफान पठान दूसरों के साथ डांस कर रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है, कभी किस किस्म के बिला वजह पाकिस्तान के खिलाफ मैसेजेस कर रहा होता है। लगता है ये कुछ बंदों को टास्क दिया हुआ कि इस किस्म के आप लोगों ने जो है वो काम करने, वरना आपकी यहाँ से जो है वो जगह नहीं होगी। बस वही कमेंट, ओ जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो, भाई तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है, तेरी टांगे नहीं चल रही थी, तू इतना बड़ा प्लेयर बनता है, रन तो हर कोई करता है, इसमें क्या गलत बात है? अगर तूने 300 कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, तूने किसी और की टीम के खिलाफ भी रन किया, इसमें क्या गलत बात है? लेकिन अगर तू किसी के खिलाफ भागा नहीं, तू शोएब अख्तर के खिलाफ तो भागा है, साफ पता चल रहा था वहीं खड़े, एक तो तू खेलते ही खड़े खड़े है, पता नहीं समझ से बाहर टेक्निक वकनिक तेरी, थकी हुई टेक्निक, किसी काम की तेरी टेक्निक नहीं। वीरेंद्र सहवाग जो है इनके जो साबिका ओपनर बैट्समैन है, बहुत जल्दी हो रही है उन्हें पाकिस्तान को भेजने की। भाई माना आप लोग अच्छे होस्ट नहीं है, हमने मान लिया बल्कि देख भी लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया है। वो कह रहे हैं जी बाय बाय पाकिस्तान जिंदा भाग। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं वीरेंद्र सहवाग साहब, आपको डरते आप लोग हैं हमारे मुल्क में खेलने से, आप लोग कभी आए अगर पाकिस्तान आए, जिंदा आए हम आपको जिंदा ही भेजेंगे, खुशबू लगाकर आएगा,
नसीम भाई अनोखी बिल्कुल सेंसलेस बातें कर रहे होते हैं, ये कहीं से क्रिकेटर नहीं लग रहे होते हैं। कसम से जो चीप टिकटॉकर होते हैं ना, टिकटॉकर भी बेचारे अच्छे होते हैं, उसमें भी कुछ चीप कैटेगरी होती है, चीप कैटेगरी के टिकटॉकर वाली हरकतें कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग बाय बाय पाकिस्तान जिंदा भाग, सोशल मीडिया पे आने का इतना शौक क्यों है भाई तुम्हें? ठीक है, पाकिस्तान जिंदा भाग, ये हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, ये हमारा नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसको कोई भी छेड़े तो इस पर एटलीस्ट कोई एहतजाज बनता है। बाय बाय पाकिस्तान, चलो समझ में आता है, हैव अ सेफ फ्लाइट बैक होम, समझ में आता है, जहरे इतनी बात तो कहने का, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं हम जो है ना, अगर वो फिर हम कुछ कहेंगे तो फिर आग लग जाएगी, फिर आप कहोगे एंड हमारे मुल्क में आओगे तो हम भगा देंगे, नहीं किया करो ना, फिर कुछ कहेंगे नसीब में, मैं कह दूंगा कुछ। आप कहते हो ना कि ये मेरा इंडिया, हम अगर कोई चीज नहीं कहना चाहते वो आपका मुल्क है, इमोशन सबके जुड़े हैं, आप एक बड़े बड़े खिलाड़ी रहे, एक बड़ा नाम रहा है आपका वीरू भाई, ये जो आपने बात कही है पाकिस्तान जिंदाबाद, वैसे जो आपने हमारे लिए हालात पैदा किए हुए थे वाकई में हमें जिंदा भाग गए तो बहुत ही अच्छा है, जिस तरह के सुना था, नहीं हम झंडे गाड़ के आते हैं चाहे हारे हैं जीते हैं, भागते भागते नहीं हम, हाँ जिंदा चले जाएं आप छोड़ दें तो बड़ी बात होगी हमारे लिए, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदा भाग, आप ये चीज किसी तरह भी जो है वो आपके स्टेचर की लगती नहीं है, आप जो ये बात करते हुए दिखाई दिए, देखिए अगर आप मेरे मुल्क के नारे को छुएंगे तो मैं आपके साथ वो करूंगा, आप सोच नहीं सकते, यहाँ पर बैठकर हम भी अपने आप को कंट्रोल करके बैठेंगे, नेशनल टीवी बैठे, वरना सहवाग साहब ऐसी ऐसी बातें ना करने को कि सुबह आग लग जाएगी, यहां से बैठ के हमने बहुत माचिसें लगाई है, वो हमें सोशल मीडिया पे दिखाया कि हमने आपको कितनी माचिसें लगाई है, तो भाई अपना दिमाग बीच में रखो, तभी मैंने कहा टिकटॉकर में बहुत अच्छे अच्छे टिकटॉकर है, उसमें कुछ चीप टिकटॉकर हम देखते हैं जो चीप होते हैं, ऐसी बिल्कुल चीप बात आपने की है अपनी तरह, तो आइंदा नेक्स्ट टाइम हमारे नारे को हिलाने से पहले सोच लीजिएगा, हम आपका वो आशा करेंगे जिसका आप तस्वर कर नहीं सकते। गंभीर इन दोनों ने एक साथ ओपनिंग की है, गौतम गंभीर ने और वीरेंद्र सहवाग ने, मेरे ख्याल है कि वो भाग भाग के दोनों का दिमागी तवाजुन खो गया, और वो भी जो मुंह में आता है वो भी कह देंगे, जो मुंह में आएगा वो वीरेंद्र सहवाग ने भी कहना शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा है इन दोनों की पार्टनरशिप सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी आग उगल सकते हैं, जहर उगल सकते हैं, जो भैया सेमी फाइनल में टकराए थे पाकिस्तान के खिलाफ बात की है ना, बहुत चीप ट्वीट किया उन्होंने, काट बोले लेंगे अभी, लेकिन यार जिंदा भाग, मतलब आप किसी भाई, मैंने कह दिया घटिया किस्म का क्रिकेटर है, किसी मुल्क के, मैंने नहीं बोला है, स्लोगन पे मजाक उड़ा सकते, मैंने तो बोला पाकिस्तान जिंदा भाग तो मत बोलो, देखो बात सुनो, बुरी बात जिंदाबाद का उन्होंने मजाक उड़ाया, ये देखिए बुरी बात, देखो आप बाय बाय लिखो, टाटा करो अच्छा चलता हूं, तो आप याद रखो रणवीर कपूर के लिए बाबर आप लगा दो, मैंने बोला बात सुन घटिया इंसान, अभी इंडिया का सेमीफाइनल बाकी है, दुआ कर इंडिया जीत जाए, अगर हार गया तो कितना गलत तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं यार, मुझे एक चीज बता दो, मेरी बात सुनो, ये जितने भी इंडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ठीक है भाई, तुम्हारा क्रिकेटर जो है इस किस्म की घटिया बात हमारे खिलाफ करेगा तो क्या हम उसको जवाब भी ना दें? तो यही चीज है, आप पाकिस्तान से भले कितने मजाक करो, लेकिन एक स्लोगन जो है उनका, जो हमारा है पाकिस्तान जिंदाबाद, या हमारा कोई नेशनल सॉन्ग है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बस, बाकी आप सुनता कौन है आपको, वो इंडिया नहीं सुनते यार, ये इसने इस वजह से की है कि वो जी पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, निकलो अब यहाँ से, वो इरफान पठान डांस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या घटिया किस्म की हरकतें कर रहे हो, हमारे क्रिकेटर करते नहीं, हम इनके खिलाफ बात करते हैं ना, उधर से इंडिया वाला, ओ जी इनका यूट्यूब चैनल बंद करो, ओ जी यूं करो वो करो, जैसे इनसे चल रहे, ओ भाई क्या हो गया यार, हम कुछ तरले मिलते तुम्हारे पे थोड़ी चल रहे भाई, ये कपड़े जो हमने पहने तुमने थोड़ी खरीद के दिए भाई, आटा थोड़ी दिलवा रहे हो, सुपर बिस्किट खा रहे तुमने खरीद के दिए, मैं क्या तुम्हारे पता नहीं वहां सुपर होंगे भी नहीं होंगे, मतलब इस तरह बातें करते हो फजूल किस्म की यार, ओ जी यूट्यूब बैन, हमें मर रहे क्या तुम्हारे चक्कर में, बस वो एक दिमाग में बैठा, ओ ये दुश्मन है हमारे, ओ ये दुश्मन है हमारा, क्या हो गया भाई, हमारे लोगों ने तो कभी इस किस्म की फजूल बात ही नहीं की, पाकिस्तान जिंदा बाग, मतलब एक तो जिंदा बाद होता है ना, जिंदा बाग जा, मतलब कि जिंदा अभी आप हैं तो आप बाग जाएं, आपने बिरयानी अच्छी खा ली, आपकी हॉस्पिटलिटी अच्छी हो गई, अब आपको और क्या चाहिए, आपने यही करने यहाँ पे आए थे, आप बाग जाएं। सर जी वीरेंद्र सहवाग का स्टेटमेंट, इस तरह का स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं, बड़ा अजीब गरीब सा स्टेटमेंट, यार स्टेटमेंट तो देते रहते हैं सारे, मैंने अगर एक चीज बात की थी बॉल के लिए तो सारी दुनिया ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए, और उसके बाद अब रिप्लाई करें ना, वहां पर सहवाग हो गए या दीगर प्लेयर्स हो गए वहां पर, और पाकिस्तान जिंदा भाग का क्या मतलब है, मींस के वर्ल्ड कप खेलने आएंगे दुनिया की टीम है, जब आप लोग डांस कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम के साथ वहां पर, डिनर पे टीमें भी जा रही हैं, प्लेयर्स भी जा रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, अगेन वही मैं बता रहा हूँ ना कि स्टेटमेंट यही है, गलत चीज है यार, जितनी भी कंट्री आई हुई सामने खेलने, पाकिस्तान जिंदा भाग का क्या मतलब हुआ है, मींस के आप भगा रहे हैं वहां से, एक तरफ आप होस्टिंग करते हैं एशिया कप, जगह पाकिस्तान में हुआ तो जब किसी ने नहीं भगाया, हमारा लोगो भी लगा हुआ कोई एशिया कप में, हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर, और इतनी सारी हॉस्पिटलिटी दी गई हमें, हमने दी दूसरी टीमों को भी दी, अफगानिस्तान की टीम भी यहाँ पर आई, इनको भी दी सिक्योरिटी दी इतनी सारी, और जितनी फोर्सेज है हमारी वो इतना सपोर्ट करती है पाकिस्तान के, जान में गलत चीज कही है ये, और ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग वो बिरयानी और ये सारी चीजें हमें गिनवाना चाहते हैं, हाँ गिनवाना चाहते हैं कि आपने बिरयानी भी खाई आपने खाया, तो ये चीजें रिप्लाई लोगों ने